हेलो एवरीवन, आशा है आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और हमारे दिए गए कामों को एंजॉय कर रहे होंगे। आप पढ़ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। आपकी पढ़ाई की नियमितता को बनाए रखने के लिए आज आपका विषय है संज्ञा। ये ऑडियो मैंने कक्षा 3 से कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। आज का विषय संज्ञा इसलिए है कि संज्ञा एक वृहद विषय है जो छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक में निरंतरता बनाए रखता है। तो हम अपने विषय पर आते हैं। संज्ञा, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट होगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। छोटी कक्षा के लिए, छोटी कक्षा में हमने पढ़ाया था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हम अब हर स्तर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तब सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं। इसी प्रकार कोई नई वस्तु, पशु, पक्षी आदि को देखते हैं तब भी सबसे पहले उसका नाम जानना चाहते हैं। नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम में महात्मा गांधी, दीपक, दादाजी। स्थानों के नाम में बगीचा, विद्यालय, अस्पताल। पशु पक्षियों के नाम में हाथी, मोर, हिरण इत्यादि आता है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिसका नाम होता है, नाम जहां पर भी है वो संज्ञा है। तो जो मैंने उदाहरण दिए उसे सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो संज्ञा होती है, अर्थात हम जिसका भी नाम लेते हैं वो चीज संज्ञा होती है। ये अलग बात है कि उसके प्रकार अलग अलग होते हैं। आज हमने संज्ञा विषय पे बात की, इसके प्रकार के बारे में मैं आपको अगले संस्करण में बताऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी नहीं समझ में आता है आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसको पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। मैं अगले संस्करण के साथ जल्द ही आपके सामने होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आशा है